रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद यासीन खान। और जैसे कि आपको पता है कि चैनल के ऊपर हम ट्रैवलिंग, बाइकिंग, बाइकर्स के बारे में स्टोरीज कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी आज की बाइक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आज की बाइक स्टोरी में हमारे बहुत ही लेजेंडली जो बाइकर हैं मुकर्रम तरीन जहांगढ़, उन्होंने भी रिसेंटली एक ट्रिप किया है। उस ट्रिप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि वैसे जो उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं या क्रॉस रूट को फॉलो कर रहे हैं तो उनको तो उनकी अपडेट्स मिल रही होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है यूट्यूब पे कोई चीज़ नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को कर लूँ। तो अभी रिसेंटली उन्होंने जो एक ट्रिप किया है उसके बारे में चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है ताकि मैक्सिमम सब्सक्राइबर हों तो मैं अपनी चीज़ों को आगे ग्रोथ कर सकूं। और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल्स इस वक्त आ रहे हैं इंस्टाग्राम के भी और फेसबुक के भी, तो वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मेरी स्टोरीज और दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं, और बाकी जो वीडियोस हैं वो ऑलमोस्टली यूट्यूब पे अपलोड होती हैं, तो इट विल टेक टाइम। तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, अगर मैं मेरे से कुछ पूछना हो आपको। तो आइए आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज की स्टोरी जो है वो बाइक स्टोरीज, यानी कि बाइक स्टोरीज जिस तरह से मैं कर रहा होता हूँ उसमें एक मिशन है जो हमारे बहुत ही सीनियर तो नहीं लेजेंड बाइकर जिनको कहेंगे मुकर्रम तरीन जहांगढ़ ने अभी किया, और ये इन्होंने सफ़र स्टार्ट किया है पाकिस्तान रेलवे के साथ। और बेसिकली क्या है, इनका कॉन्सेप्ट था टू व्हील्स टू वेज रेलवेज, यानी कि रेलवे की जो 160 ईयर ओल्ड ट्रैक है कराची टू लंडी कोतल समझ लें, या लंडी कोतल टू कराची समझ लें, तो ये तकरीबन 1872 ऑलमोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है किलोमीटर का ये ट्रैक है, जो पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था, और तकरीबन 1880 में इसको कंप्लीट हुआ था उसका इसको ट्रेन, क्योंकि अंग्रेज़ कभी भी, या गोरे हम जिनको कहें या ब्रिटिशर कहें जो भी आप कहें, जिस भी जगह होते थे वो सबसे पहली जो चीज़ बनाते थे वो होता था कम्युनिकेशन सिस्टम को क्लियर करना। तो ये बेसिकली रेलवे ट्रैक जो थे वो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करते थे, रसद कराची से चीज़ों का जाना, माल जाना, सामान जाना, तो इससे तरक्की भी होती थी। और ये हमें एक हलवा जैसी चीज़ मिली, और यानी कि पाकिस्तान जब बना तो उन्हें ये ट्रैक मिला, लेकिन इस पर कोई एज सच वर्क नहीं हुआ और एज सच काम नहीं हुआ, वरना आज अगर इसको कनेक्ट किया तो ये अफगान बॉर्डर के साथ कनेक्ट होके और फिर बहुत कुछ हो सकता था। बहरहाल बाइकर कम्युनिटी हमेशा पॉजिटिवली ही पाकिस्तान के लिए सोचती है, तो मुकर्रम तरीन जहांगढ़ ने भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ सोची कि इसको उजागर करें, दुनिया में इस चीज़ को लेकर आएँ और ये चीज़ बताएं कि इतना ओल्डेस्ट ट्रैक आज भी हमारे पास चल रहा है। और उसके साथ साथ जो है मुकर्रम तरीन जहांगढ़ जो हैं लेजेंडली बाइकर जो हैं, उन्होंने ये किया, ये सफ़र इन्होंने अपना स्टार्ट किया था, तकरीबन 15 दिन का ट्रिप था और इन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था समझ लें कि फर्स्ट, मैं एग्जैक्टली आपको ये बताता हूँ, 1 नवंबर 2020 को लंडी कोतल से पेशावर गए, फिर पेशावर से हसन अब्दाल, अटक, टैक्सिला, यहाँ से होते 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 तकरीबन 15 जो है वो दिन बाद कराची पहुँचे, और बड़ा ज़बरदस्त खैर मकदम हुआ उनका। और जिस तरह से इन्होंने पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों को दिखाया, जो चीज़ें, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस वीडियो के तवज से सुनाता हूँ कि 2007 में एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था सफारी ट्रेन, और ये स्टीम इंजन था। 2007 में मई के अंदर एक सैलाब आया, सैलाब के अंदर जो है ना लंडी कोतल का ब्रिज बह गया, उसके बाद इस ट्रेन को स्टॉप कर दिया गया, और आज तक ये ट्रेन स्टॉप है। अफगान बॉर्डर तक जाती थी, लोग इसको एंजॉय करते थे, जाते थे, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर मोस्टली टूरिस्ट होते थे, उससे पाकिस्तान को बड़ा इसका इमेज अच्छा होता था, लेकिन उसके बाद नहीं सोचा गया। अब जहाँ कराची में KCR को स्टार्ट कर दिया गया है, तो प्लीज़ मैं रेलवे को और गवर्नमेंट को कहूँगा कि इस सफारी ट्रेन को भी दोबारा स्टार्ट किया जाए। ऑलमोस्ट ये समझ लें कि जब ये पेशावर से लंडी कोतल जाती थी तो 34 टनल्स क्रॉस करती थी, यानी कि 34 सुरंगें क्रॉस करती थी, और उसके बाद जाती थी अफगान बॉर्डर तक। और लोग इसको बड़ा अच्छा, जमरूद एक आता है स्टेशन जहाँ के रेलवे स्टेशन पर आज भी अंग्रेज़ों के वो ट्रंक्स पड़े हुए हैं, वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो हिस्ट्री पड़ी हुई है, अगर वहाँ पे जाके देखें तो ये हमारा असासा है। थैंक यू सो मच ये
मुकर्रम तरीन जहांगर्द लेजेंडरी बाइकर जिन्होंने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करी दुनिया को, और अब आपने इसको कोशिश करना है कि इस चीज़ को आगे तक लेके जाना है। और जितने बाइकर्स हैं पॉजिटिवली चीज़ें करना, ट्रैक्स तो सारे करते हैं, ट्रिप्स तो सारे प्लान करते हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्रिप जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, जो पाकिस्तान की पहचान और रोशनास दुनिया में कराए, तो ऐसे कोई काम करना है, क्योंकि हम बाइकर कम्युनिटीज मिलके ही ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने बेस के ऊपर। तो यहाँ जाते जाते मैं मुकर्रम तरीन जहांगर्द का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि ऐसा ट्रिप इन्होंने प्लान किया और इस तरह से ये इन्होंने ये पूरे ट्रैक के साथ अब ऑलमोस्ट ये आप समझें कि मोटरबाइक एडवेंचर राइड अलॉन्ग विद 160-year-old रेलवे ट्रैक फ्रॉम लंडी कोटल टू कराची। इतना पुराना 160 मैंने आपको बताया साल, और आज भी ट्रेन चलती हैं। तो सबसे पहले इनका बहुत थैंक यू ऐसा ट्रिप प्लान करने का, दूसरा रेलवे का, रेलवे पाकिस्तान रेलवे का थैंक यू जिन्होंने इसके साथ मिलके इस चीज़ को कराया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें शो कराई, उन स्टेशन के बारे में हम नहीं जानते, उन जगहों के बारे में जानते, वो सब कुछ एक ट्रेवल टूरिस्ट बाइकर ही डिस्कवर कर सकता है। यहाँ इनके थैंक यू के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा कि जहाँ रहें खुश रहें, जब भी ट्रैवल करें, सोलो करें, बाइक के साथ करें, फैमिली के साथ करें, ग्रुप के साथ करें, दोस्तों के साथ करें, सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें, हेलमेट ज़रूर पहनें, सेफ्टी गियर ज़रूर अप्लाई करें, और ट्रैफिक रूल्स का बहुत ख्याल रखें। फिर किसी और बाइक स्टोरी के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते यही कहूँगा कि चैनल यानी कि ये वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो हैंडल्स आ रहे हैं उस पर जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon.